हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत अमेजिंग है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। जी, आज मैं एक पुडिंग बना रही हूँ जो है जौ की पुडिंग, यानी कि आप इसे जौ की खीर भी कह सकते हैं, जो कि हाल बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत पसंद की जाती है। जौ की खासियत है कि इसे वेट लॉस करने वालों के लिए, शुगर वाले जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर वाले, कोई भी इसको ले सकता है, बच्चा और बड़ा, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसके लिए यहाँ मैंने ओवरनाइट जौ को सोक कर लिया है। अब मैं जौ को बॉईल कर रही हूँ। यहाँ मैं उसे प्रेशर पैन में डाल रही हूँ। इसको जौ में 1 कप पानी आप डालिए और 3 सीटी में ये जौ जो है वो कुक होकर परफेक्टली कुक हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाई फ्लेम पर आप इसमें 3 सीटियाँ ले लीजिए, आपकी जो जौ है वो परफेक्टली कुक हो जाएगी। जब तक कुक होती है जौ, हम यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट चॉप कर लेते हैं। यहाँ मैंने खजूर लिया है, खजूर को मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने में, आप अपने मनपसंद भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ मैंने खजूर को इस तरीके से सीड निकाल कर चॉप कर लिया है, ज़्यादा बारीक चॉप ना करें। यहाँ मैं खीर को मीठा करने के लिए सिर्फ खजूर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी स्वीट को यूज़ कर सकते हैं, शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी चॉप कर लिए मैंने, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, आप इसमें चिरौंजी भी डाल सकते हैं। अब हमारे जौ अच्छे से परफेक्टली बॉईल हो गए हैं, चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पैन में 3 बड़े कप दूध लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी, अपने जितने भी लोगों के लिए आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से दूध ले सकते हैं। खुशबू के लिए मैंने यहाँ पर 2 इलायची इसमें डाली हैं, जो कि इस दूध की शुरुआत ही बॉइलिंग में डाल दें, जिससे अच्छे से अपना अर्क जो है दूध में छोड़ दें। कलर के लिए मैंने यहाँ पर सैफ्रॉन का इस्तेमाल किया है 1 चुटकी। अगर आपके पास सैफ्रॉन नहीं है तो कोई बात नहीं है, किसी भी प्रिजर्वेटिव कलर को इसमें इस्तेमाल ना करें। अब हमें दूध को अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये देखिए, इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है और हमें दूध को तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। हम तब तक बॉईल करेंगे दूध को कि उस पर अच्छी थिकनेस ना आ जाए, पतलापन दूध का ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर दूध बॉईल होना शुरू हो गया है। अब ये इतना बॉईल हो गया है, इसमें हम इस जौ डाल देंगे उबली हुई। ये अगर कोई जौ की खीर खाता है तो ये समझ लीजिए उसकी कमर की, जॉइंट पेन की तकलीफ है, चाहे बरसों पुरानी हो, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और इसे खाने से गर्मियों में तो ये इतना फ़ायदा करती है, इसे खाने से बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। मेरी नज़र में ये 100 बीमारियों का एक इलाज है, इसलिए आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खीर इतनी ईजिली बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और चावल की खीर से कहीं ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, स्पेशली वेट लॉस करने वालों के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, इसे सर्दी, गर्मी, बारिश कभी भी बना के खा सकते हैं, एनी टाइम। इसको तलबीना के नाम से भी जाना जाता है। इसको ये, अब हम इसमें ऐड करेंगे इस पॉइंट पर ड्राई फ्रूट्स, या मैं इसमें 1.5 से ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप इसमें किसी भी तरीके के बाहर की चीनी या गुड़ वगैरह ना मिलाएं, आप इसमें खजूर से ही इसको स्वीट करें। लेकिन फिर भी जो लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं वो धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें दूध अच्छे से थिक हो रहा है। अब इसमें मैं कुछ काजू ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो काजू, बादाम, चिरौंजी बॉयल करते में भी डाल सकते हैं। कुछ लोग फ्राई करके भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि वेट लॉस के लिए बना रही हूँ तो इसलिए किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि इसे वेट लॉस वाले ही खा सकते हैं, आप इसे किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं, कभी भी किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं और बिना ओकेजन के भी बना सकते हैं। इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। अब जो खीर है वो अच्छे से थिक हो गई है, आप देखिए इसमें मलाई पड़ गई है ऊपर, अच्छे से ही कुक हो गई है। सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें सॉफ्ट हो गए हैं, अपना टेस्ट उन्होंने इसमें छोड़ दिया है। हम तब तक पकाना चाहिए जिससे जब तक सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर सॉफ्टली पक ना जाए। अब इट्स रेडी टू सर्व, गरम गरम इसको सर्व कीजिए। अब हम आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठंडी होकर ये खीर और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, और जो खाने में बहुत टेस्टी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसे बड़े और बच्चे सभी खा सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, मेरे बच्चों को टूटी फ्रूटी खाना बहुत पसंद है, आप टूटी फ्रूटी ऐड कीजिए, बच्चे बहुत शौक से इसको खाएंगे और बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। ये खीर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, यकीन मानिए बहुत ही यमी बनती है।
अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स।